हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास एन अ थ्योरी सेकेंड यूनिट मुगल पेंटिंग्स वी विल स्टडी नाउ। कृष्णा लिफ्टिंग द माउंट गोवर्धन, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पेंटिंग। इन द टाइम पीरियड ऑफ अकबर दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय मिस्किन एंड ऑन पेपर बाय द वाटर कलर। इट इज़ मेड अप एंड इन 1585 to 1590 AD। इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंटिंग। द टेक्निक ऑफ दिस पेंटिंग इज टेम्परा एंड नाउ इट इज द कलेक्शन ऑफ दिस पेंटिंग इज नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट्स, इन दिस पेंटिंग यू कैन सी क्लियरली वेरी रिदमेटिक क्लाउड्स ऑन अपर साइड एंड डिफरेंट कलर शेड्स आर देयर इन अ स्काई। ब्लू, लाइट ब्लू, पर्पल, वेरी डार्क ब्लू, पर्शियन ब्लू, मैनी शेड्स आर यूज टू कम्प्लीट द स्काई एंड क्लाउड्स आर ऑल्सो देयर। इसके साथ ही बच्चों, आप भगवान कृष्ण ने हाथ में जो गोवर्धन पर्वत उठाया है, पर्वत की जो शेप है उसको भी आप देखिए। पर्वत को बनाने का तरीका ईरानी ढंग का है। पर्वत की एक एक हिल को अलग अलग रिदमेटिक लाइंस में अलग अलग रंगों के द्वारा क्रिएट करने का प्रयास किया गया है। जिस तरह पर्वत के बीच बीच में कुछ पेड़ पौधे, जीव जंतु भी होते हैं, तो इसी कल्पना को कलाकार ने बड़े ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। कहीं हिरन है तो कहीं बारहसिंगा है, कहीं बंदर की आकृति बनाई गई है तो कहीं चीते की आकृति भी दिखाई दे रही है। जबकि पर्वत को कहीं गुलाबी रंग से, तो कहीं हल्के हरे रंग से, तो कहीं हल्के नीले रंग से बनाया गया है। इस तरह पेड़ में भी अलग अलग रंगों की रंगत भी दिखाई दे रही है। कहीं पेड़ ब्राउन कलर के हैं और ब्राउन की डिफरेंट टोन्स का प्रयोग किया गया है, तो कहीं गहरे हरे रंग के, तो कहीं नीले रंग के भी दिखाई देते हैं। विशाल पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपने बाएं हाथ में उठाया है। कृष्ण की आकृति को अत्यधिक सुंदर आकर्षक बनाया गया है। एक चश्मा, भगवान कृष्ण नीले वर्ण के हैं, उनके स्किन में ब्लू कलर किया गया है। सर पर मुकुट सुसज्जित है और वो पीतांबर धारी हैं, यानी पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके गले में बैजंती माला है जो कि उनके गले से लेकर उनके चरणों का स्पर्श कर रही है। बैजंती माला के साथ ही उनके गले में अन्य मोतियों के हार भी हैं। उनको हाथों में कड़े और बाहों में बाजूबंद पहने हुए बनाया गया है। पीले रंग की विभिन्न रंगतों के साथ लाल रंग की सीमा रेखा के द्वारा उनकी धोती एवं पटके को सीमांकित किया गया है, यानी कि आउटलाइन की गई है। भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को तीव्र वेग से हो रही बारिश से बचाने के लिए अपने हाथ में गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं और इस गोवर्धन पर्वत की शरण में कई ब्रजवासी बनाए गए हैं जो कि बारिश से बचकर पर्वत के नीचे शरण में आ गए हैं। यह ब्रजवासी किसी के सर पर पगड़ी है तो कोई अपने हाथ में पोटली लिए हुए है, किसी के बाल खुले हुए हैं, तो कई महिला आकृतियां भी बनाई गई हैं, कुछ बच्चे भी चित्रित किए गए हैं। कुछ ब्रजवासी अपने मवेशियों के साथ भी अंकित हैं। कोई अपने साथ गाय लेकर आया है तो कोई अपने साथ बैल को लेकर आया है। जो भी पालतू पशु पक्षी हैं, पशु हैं ब्रजवासियों के, वो इनको अपने साथ लेकर भगवान कृष्ण की शरण में गोवर्धन पर्वत के नीचे अंकित किए गए हैं। ब्रजवासियों के वस्त्र मुस्लिम ढंग के हैं, अधिकांशतः उन्होंने अंगरखा धारण किया हुआ है और कंधे पर पटका या कमर में पटका बांधे हुए हैं। संपूर्ण चित्र पर गहरे रंग की प्रधानता है। रंगों को भिन्न भिन्न रंगतों के साथ भी लगाया गया है। बारीक रेखांकन है, सीमा रेखाएं अत्यधिक बारीकी से की गई हैं। संपूर्ण कला पर अत्यधिक सौंदर्य का प्रभाव दिखाई देता है।